बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का हम लोग यूनिट नंबर 4 जो है वो पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 4 जो है वो हमारा वो कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम लोग उसके एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है वो करेंगे। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यू है, एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज, एटम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं क्योंकि। क्यों करते हैं जी, हमें पता है क्योंकि एटम्स क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। ऑप्शन सी, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, वो मुस्तहकम होना चाहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय, कहता है एक एटम जिसके वैलेंस शेल के अंदर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नोबल गैस जैसी स्टेबिलिटी या उसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हासिल करेगा। तो जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स में मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, हासिल करेगा वैलेंस शेल में और 8 पूरे कर लेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, हासिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, विच एटम विद द गिवन अटोमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। ठीक है, तो उसने ऑप्शन दिए हैं 6, 8, 10, 12। कहते हैं इनमें से कौन सा अटोमिक नंबर वाला जो एटम है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। 6 वाला जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले में 2 दूसरे में 4, इसके वैलेंस शेल में आएंगे 6, इसके वैलेंस शेल में आएंगे 8। ठीक हो गया, और हमें पता है 8 वाला तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके वैलेंस शेल में भी 2 आएंगे, फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। ठीक है, तो 8 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो 10 जिसका एटॉमिक नंबर हो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑक्टेट रूल इज, ऑक्टेट रूल क्या है जी, ऑक्टेट रूल है वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट्स बिटवीन एटम रिजल्ट्स इन, जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो किस चीज़, उसका नतीजा क्या निकलता है, तो हमें पता है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है तो उसके रिजल्ट में आयनिक बॉन्ड बनता है, तो ऑप्शन बी आयनिक बॉन्ड। व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टाइम ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, तो जब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव फॉर एग्जांपल सोडियम और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, ये आपस में मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, हमें पता है, तो ऑप्शन बी आयनिक बॉन्ड। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स इज एक्सपेक्टेड, दो नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो एक्सपेक्टेड होता है कि वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी ऑप्शन ए है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अ बॉन्ड पेयर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स यूजुअली हैज़, बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है बॉन्ड पेयर का मतलब ही दो होता है, तो एक बॉन्ड पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। ठीक हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन है CH4, KBr, CO2, H2। इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ये वाहिद है जो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। ठीक हो गया जी, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस जो है वो पानी की सतह पर, बर्फ़ जो है वो पानी की सतह पर बहती है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि पानी जो है उसकी डेंसिटी जो है वो आइस से क्या है, ज़्यादा है, वाटर इज़ डेंसर देन आइस। ठीक हो गया, ऑप्शन सी, वाटर इज़ डेंसर देन आइस। कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स द, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या शामिल है, हमें पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक, यानी ऑप्शन सी। हाउ मैनी कोवेलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल हैव, C2H2 मॉलिक्यूल के दरमियान कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो C2H2 मॉलिक्यूल के दरमियान जी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1, 2, 3। ठीक हो गया, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड्स के लिहाज से देखें तो 5 हैं, वैसे अगर सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड देखें, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल के अंदर कितने हैं, ये एक ट्रिपल ही है ना, इसको ये अगेन ले लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3,
एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, तीन बॉन्ड पेयर, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स देख लिए, एक दो तीन चार पाँच छः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सेम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किस में पाया जाता है जी? O2 एंड HCl, नहीं, O2 के अंदर डबल होता है, HCl के अंदर सिंगल होता है। O2 एंड N2, O2 के अंदर डबल होता है, N2 के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया। O2 एंड C2H4, O2 यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर भी डबल होता है और C2H4 के अंदर भी क्या होता है, डबल, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट सोलेबल इन वाटर, सोलेबल इन वाटर कौन सा नहीं होगा, जो आयनिक होगा वो सोलेबल होगा, जो आयनिक नहीं होगा वो नॉन सोलेबल होगा, इनसोलेबल होगा। तो C6H6 बेंजीन पहला ही, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है बेंजीन, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड भी है, इसलिए ये जो है ये पानी के अंदर सोलेबल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो BF3 हमें पता है बोरॉन के पास तीन इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। ठीक हो गया जी। आइडेंटिफाई विच पेयर हैज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर किसके अंदर पाया जाएगा, जो डिफरेंट के दरमियान बनेगा, O2 एंड Cl2, O2 एंड Cl2, O2 के दरमियान बॉन्ड किस, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान बन रहा है, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बन रहा है, तो ये नॉन पोलर है। ठीक हो गया। H2 एंड N2, N2 आ गया, N2 में तो NN के दरमियान बन रहा है, सेम हो गया, सेम वाला तो पोलर नहीं होता। H2O एंड CO2, H2O एंड C2H2, और H2O एंड HCl, तो H2O एंड HCl जो है ये हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये C2H2 भी ये जो है ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर है, पोलर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग द एटम्स, एटम्स के दरमियान सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है, हमें पता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ऑप्शन सी हमारा जो है इसके लिए सही है। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज जिनको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।